नमस्कार किसान भाई हूँ, कृषि फाई के मंडी भाव अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूँ राशि आपके साथ। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की अलग अलग मंडियों में फसलों के क्या दाम रहे। तो शुरुआत करते हैं नीमच की मंडी के साथ, जहां पर असगंध के दाम 17,300 रुपए रहे। डिंडोरी की मंडी की बात करें तो यहां पर धान के दाम 1425 रुपए रहे, तो वहीं गेहूं के दाम यहां पर 2015 रुपए रहे। इसके अलावा मसूर के दाम यहां पर 6000 रुपए तक रहे। इसके अलावा बालाघाट की मंडी की बात करें तो धान के दाम यहां पर 1450 रुपए रहे। मंडला की मंडी की बात कर लेते हैं, जहां पर धान के दाम 1430 रुपए रहे, तो वहीं गेहूं के दाम यहां पर 2010 रुपए रहे। इसके अलावा कुटकी के दाम यहां पर 4000 रुपए तक रहे। मक्का के दाम 1930 रुपए रहे। बटरी के दाम यहां पर 3200 रुपए रहे। मटर के दाम 3400 रुपए रहे, तो वहीं चने के दाम यहां पर 3800 रुपए रहे। इसके अलावा धार की मंडी की बात करें तो यहां पर गेहूं के दाम 2200 रुपए तक रहे। अब बात कर लेते हैं प्रदेश के दमोह मंडी की, जहां पर गेहूं के दाम 1920 रुपए रहे, तो वहीं मूंग के दाम यहां पर 3600 रुपए रहे। इसके अलावा उड़द के दाम यहां पर 3000 रुपए तक रहे। इसके अलावा भोपाल की मंडी में प्याज के दाम 780 रुपए रहे, तो वहीं लहसुन के दाम यहां पर 1025 रुपए तक रहे। तो वहीं अब बात कर लेते हैं इंदौर की मंडी की, जहां पर प्याज के दाम 930 रुपए रहे, गेहूं के दाम यहां पर 2541 रुपए रहे। तो वहीं लहसुन की बात करें तो लहसुन के दाम यहां पर 1700 रुपए रहे। इसके अलावा डॉलर चने की बात करें तो 8,860 रुपए यहां पर डॉलर चने के भाव रहे। सोयाबीन के भाव 6,635 रुपए रहे। चने के भाव यहां पर 8,530 रुपए रहे। मूंग के भाव यहां पर 4,960 रुपए रहे। तो वहीं मक्के के भाव 2,010 रुपए रहे। इसके अलावा बटरी की बात करें तो 3,295 के भाव पर बटरी बिकी। इसके अलावा बात कर लेते हैं बड़वानी मंडी की, जहां पर मक्के के दाम 1960 रुपए रहे। दतिया की मंडी की बात करें तो यहां पर गेहूं के दाम 2,194 रुपए रहे, तो वहीं मटर के दाम यहां पर 4,200 रुपए तक रहे। इसके अलावा बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा मंडी की, जहां पर अमचूर के भाव ज्यादा रहे, तो वहीं गेहूं के भाव यहां पर 1937 रुपए तक रहे। बात कर लेते हैं पन्ना की मंडी की, जहां पर गेहूं के दाम 2017 रुपए रहे, तो वहीं मसूर के दाम यहां पर 6,000 रुपए रहे। अगर मालवा की मंडी में गेहूं के दाम 2,011 रुपए तक रहे। इसके अलावा बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी की, जहां पर सरसों के दाम 6,320 रुपए रहे। उज्जैन की मंडी में गेहूं के भाव 2,449 रुपए रहे, तो वहीं यहां पर सोयाबीन के दाम 6,715 रुपए तक रहे। इसके अलावा मुरैना की मंडी की बात करें तो यहां पर गेहूं के दाम 2,075 रुपए रहे। सरसों के दाम यहां पर 6,470 रुपए रहे। इसके अलावा बाजरे के दाम यहां पर 2,040 रुपए रहे, तो वहीं मूंग के दाम यहां पर 4,460 रुपए तक रहे। अलीराजपुर की मंडी की बात करें तो यहां पर उड़द के दाम 3,750 रुपए तक रहे। इसके अलावा रतलाम की मंडी में गेहूं के दाम 2,175 रुपए तक रहे। गुना की मंडी में गेहूं के दाम 2,080 रुपए तक रहे। तो वहीं बात करते हैं जबलपुर की मंडी की, जहां पर गेहूं के दाम 1,910 रुपए रहे, रामतिली के दाम 6,750 रुपए रहे, कोंदो के दाम 2,275 रुपए रहे, कुटकी के दाम 4,150 रुपए रहे, तो वहीं अलसी के दाम 5,705 रुपए तक रहे। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का मंडी भाव अपडेट। कृषि से जुड़ी और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।